बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हनी किचन में वेलकम करती हूँ। क्या हाल है आप सब लोगों के? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए गर्मियों के हवाले से बहुत ही मज़ेदार सा फ्रेश मैंगो जूस की रेसिपी लेकर आई हूँ, मिल्क शेक जिसे हम कहते हैं। तो ये मैंगो का मिल्क शेक बना रही हूँ मैं, तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो नोट कर लीजिए। तो मैंने ये फ्रेश आम लिए हैं, तकरीबन 3 से 4 आम हैं। इनको मैंने इस तरह रफली मतलब काट लिया है, कोई ऐसे क्यूब्स में नहीं काटे, क्योंकि हम इसको मिल्क शेक बना रहे हैं। हमें ये दूध चाहिए होगा, तो मैंने ये दूध ले लिया, टेट्रा पैक वाला लिया। आप लोग तो फ्रेश लेना चाहें तो वो ले लीजिएगा। कुछ क्यूब्स चाहिए हमें आम के छोटे छोटे से। इसके अलावा हमें चीनी चाहिए होगी और बिल्कुल चिल्ड वाटर, जो ठंडा या पानी होता है वो हमें चाहिए। और ये बर्फ़ के कुछ क्यूब्स हैं तो ये हमें चाहिए होंगे। वैसे तो हर एक को ही तकरीबन मिल्क शेक बनाना आता है, लेकिन हर एक का तरीका मुख्तलिफ होता है। तो बस ये जिस तरीक़े से मैं बनाती हूँ वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है और ये जग के अंदर मैं तकरीबन आधे आम डालूंगी इसमें। ये देखिए, आधे आम डाल दिए हमने। और अब हम थोड़ी सी चीनी डालेंगे, आधा कप। ये पाव चीनी है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसलिए चीनी थोड़ी ज़्यादा डालनी पड़ रही है, वरना उमन मिल्क शेक में मैं तो नहीं डालती, लेकिन इसलिए कि अभी आम वैसे आए हुए नहीं हैं बहुत ज़्यादा मीठे जैसे आम आते हैं। ये थोड़ा सा हमने चिल्ड वाटर 1 कप के करीब डाल दिया है। और अब साथ ही हम अपना आधा ये दूध का पैकेट डालेंगे, पूरा नहीं डालेंगे, आधा डालेंगे, क्यूब्स डालेंगे, फिर से ब्लेंड करेंगे। देखें, सब डाल लिया और मैंने इस जग को बंद कर लिया है। और अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी बस। देखें, हमारा मैंगो जूस बन के रेडी हो गया और माशाल्लाह कितना अच्छा बना हुआ है। ये देखें, ये बस अब मैं इसको ग्लास में निकाल के आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, हमारा मज़ेदार सा मैंगो मिल्क शेक बन के रेडी हो गया है बिल्कुल। और ये जो मैंने क्यूब्स छोटे छोटे काटे थे, तो ये इसके ऊपर मैंने सर्व करने के वक्त जो ना रख दिए हैं, पहले नहीं डाले थे हमने, ये बाद में बिल्कुल जब सर्व करेंगे तो जब डालेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी, बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है। तो आप लोग इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो बस मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी वीडियो में, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।